हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका साहिबेला किचन में। आज की इस वीडियो में मैं गेहूं के आटे से बने गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं, जिसको हम बेहद ही सिंपल तरीके से बनाएंगे और घर के सामान से बना के तैयार करेंगे। तो चलिए हमारे गुलाब जामुन की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले ऐसा कोई बड़ा सा थाली ले लें या फिर कोई बड़ा सा बाउल लें, जिससे हमारा सारे मिक्सचर को मिक्स करने में आसानी हो। यहाँ पे मैं आधा कटोरी गेहूं का आटा ले रही हूँ और उसी कटोरी से मिल्क पाउडर, जितना आप गेहूं का आटा ले रहे हैं उतना ही मिल्क पाउडर लें, और इसी में हम 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे। ये सबको एक बार अच्छे से मिला लेंगे। फ्रेंड्स, ये बन गया हमारा गेहूं के आटे का गुलाब जामुन का प्री मिक्स। आप चाहें तो इसको ऐसे ही स्टोर करके रख सकते हैं, पर आज हम इसको फ्रेश बनाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं 1/2 टीस्पून घी ऐड कर रही हूँ। आप इसी जगह में तेल का भी यूज़ कर सकते हैं, पर घी में इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, तब तक की जब तक घी और आटा आपस में अच्छे से ना मिल जाए। हाँ, अगर आप इसको प्री मिक्स बना के रख रहे हैं तो घी उसी टाइम ना डालें जब आप उसको गुलाब जामुन बनाना चाहते हैं, उसी टाइम घी डालें, नहीं तो उसमें हल्का सा स्मेल आने लगेगा। ये देखिए, हमारे घी और आटा अच्छे से मिक्स हो गया है, इसकी बाइंडिंग भी अच्छी हो रही है। अब चलिए इसका आटा गूंथ लेते हैं। यहाँ पे मैं 1/2 कटोरी दूध ले रही हूँ, पर ये सारे दूध को इकट्ठा नहीं डालेंगे, हम इसको थोड़ा थोड़ा डाल के आटा गूंथेंगे। ये देखिए, यहाँ पे मैं 6 चम्मच दूध ऐड कर ली हूँ और इसको आटा गूंथते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा डाल के गूंथेंगे। इकट्ठा बिल्कुल भी नहीं डालें, वैसे यहाँ पे इतना दूध का यूज़ नहीं होगा। मैं आपको बताऊंगी इसमें कितना दूध लगा है। ये देखिए, इसको ज़्यादा नहीं मसलेंगे, हम ऐसे ही हल्के हाथों से उसको गूथ लेंगे। हमें यहाँ पे एकदम ही टाइट डो नहीं बनाना है, यहाँ पे सॉफ्ट डो बना के तैयार करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम गीला डो बनाएंगे, टाइट डो बिल्कुल ही ना बनाएं, नहीं तो हमारा गुलाब जामुन अंदर से हार्ड हो जाएगा। आप इस तरह से एक बार गुलाब जामुन जरूर बना के देखिए, बेहद ही टेस्टी बन के तैयार होता है। ये देखिए, इसके आप देख सकते हैं, ये देखिए इतना दूध में हमें आधा कटोरी दूध बच गया है। अगर चम्मच से बताऊं तो मैं यहाँ पे टोटल 8 से 10 चम्मच दूध का यूज़ करी हूँ। अब यहाँ पे हाथों में थोड़ा सा घी लगा लें और आटा को अच्छे से मसल लें। फ्रेंड्स, ध्यान रखिए आटा बिल्कुल भी हार्ड नहीं होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका आटा ड्राई हो गया है तो इस समय थोड़ा सा दूध और ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, अब इस तरह से इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। आप चाहें तो इसको गुलाब जामुन के शेप में भी बना सकते हैं, पर आज मैं ओवल शेप में बना रही हूँ, क्योंकि हमेशा मैं राउंड शेप में ही बनाती हूँ, तो आज थोड़ा सा डिफरेंट बना रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से और लेंगे और ऐसे करके बना लेंगे। आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि आपके बॉल्स में क्रेक बिल्कुल भी ना हो, नहीं तो वो ऑयल में जाते ही फट जाएगा। ये देखिए, मैं यहाँ पे दो तरह से बनाई हूँ, पर एक वाला अच्छा सा पतला है और एक थोड़ा सा मोटा। इसको हम थोड़ा सा और पतला कर लेंगे, इसको मोटा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑयल में जाते ही और फूल जाते हैं, और अगर ज़्यादा मोटा रखने से उसको पकने में भी टाइम लगेगा और अंदर से कच्चा भी रह सकता है। ये देखिए, इस तरह से सभी को बॉल्स बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक बैच बना के तैयार कर ली हूँ। अब चलिए इसको फ्राई करते हैं। ये देखिए, हमारा ऑयल यहाँ पे मीडियम गरम है, एकदम ज़्यादा गरम ऑयल में इसको बिल्कुल भी ना डालें। आज हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक गुलाब जामुन को फ्राई करके देखेंगे कि कहीं हमारे बॉल्स में क्रेक तो नहीं आ रहे हैं। अगर क्रेक आ रहा है, इसका मतलब हमारा मिक्सचर जो है वो ड्राई है, तो हमें थोड़ा सा और दूध डाल के गूंथना पड़ेगा। इसको हल्के हाथों से एक बार चम्मच जरूर चलाएं, क्योंकि ये नीचे से चिपकने लगते हैं। अगर आप बीच बीच में ऐसे चम्मच चलाते रहेंगे तो ये सभी तरफ से बराबर से पकेगा। इसको डायरेक्टली टच ना करें, ऐसे ही हिलाते हुए इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे गुलाब जामुन अच्छे से फ्राई हो गया है। ये देखिए, इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं है, बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो चलिए, हमारा बाकी गुलाब जामुन को भी डाल के इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे आप गैस का फ्लेम एकदम ही हाई ना रखें, ना ही मीडियम,
ये लो टू मीडियम के बीच में ही रखें जी, जिससे ये अच्छे से फ्राई होगा अंदर तक। फ्रेंड्स आप एक बार इसको बना के जरूर देखिए, इस तरीके से बनाएंगे तो ये बिल्कुल भी खाने में आटे का टेस्ट नहीं आएगा। जैसे हम मेरी के गुलाब जामुन बनाते हैं जैसा टेस्ट आता है वैसा ही आएगा, बल्कि ये उससे और जल्दी बन के तैयार हो जाता है और इसमें थोड़ा सा मेहनत भी कम लगता है। ये देखिए इस तरह से हिलाते हुए इसको भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती होंगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये देखिए हमारे गुलाब जामुन का कलर चेंज हो गया है, अब इसको भी हम निकाल लेते हैं। इस गुलाब जामुन में चाशनी बाद में बनाया जाता है, हमें पहले से चाशनी बना के रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सबसे पहले हम इसके लिए जामुन बना लेते हैं, अच्छे से फ्राई कर लेंगे सभी को एक साथ, उसके बाद चाशनी बनाएंगे। देखिए इस तरह से ऐसे निकाल लेंगे और हमारा दूसरा बैच भी फ्राई होने को डाल देंगे। जब तक ये फ्राई हो रहा है चलिए दूसरे गैस पे हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक मोटा तले वाला पतीला ले रही हूँ, यहाँ पे मैं 1.5 कटोरी चीनी ले रही हूँ। ये वही कटोरी है जिससे हमने आटा नापा था, अब कोई सा भी एक कटोरी सेट कर लें। ये देखिए अब इसमें उसी कटोरी से 2 कटोरी पानी डाल लेंगे। गुलाब जामुन बनाने के लिए हमें कोई गाढ़ी चाशनी की ज़रूरत नहीं पड़ती, हल्की सी पतली चाशनी की ज़रूरत पड़ती है। ये देखिए 2 कप पानी ऐड हो गया, अब इसको चीनी और पानी को अच्छे से मिक्स करते हुए हाई फ्लेम पे पकाएंगे। हमें 2 से 3 उबाल लाना है बस, इससे ज़्यादा नहीं। ये देखिए हमारे चाशनी में उबाल आ गया है, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। ये देखिए ये हल्का सा चिपचिपापन फील हो रहा है, एकदम चिपचिपा नहीं, जैसे हम ऑयल को छूते हैं और जो फील होता है वैसे ही चिपचिपापन फील हो रहा है। अब यहाँ पे मैं चुटकी भर इलायची पाउडर डाल रही हूँ, अगर आपके पास इलायची पाउडर ना हो तो उसको इलायची को साबुत इलायची को कूट के भी डाल सकते हैं, उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है हमारे गुलाब जामुन में। ये देखिए अभी यहाँ पे हम फ्राई किए हुए गुलाब जामुन डाल लेंगे, अब इसको हाई फ्लेम पे 2 मिनट उबालेंगे। आप टाइम देख लें, 2 मिनट से ज़्यादा ना उबालें। अब उसको बीच बीच में ऐसे मिक्स कर लें, 2 मिनट ही उबालेंगे। इससे होगा ये कि हमारे गुलाब जामुन अच्छे से चाशनी को ऑब्जर्व करेंगे, ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगा। ये देखिए 2 मिनट हो गए हैं, हमारे गुलाब जामुन भी हल्के से फूलने लगे हैं। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको 3 से 4 घंटे के लिए ढक के ऐसे ही छोड़ देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमारे गुलाब जामुन अच्छे से चाशनी ऑब्जर्व कर लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सुपर सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है, इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया होता है। और ये आटे का गुलाब जामुन है तो हेल्दी भी है, अगर हेल्दी भी है आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर रेसिपी पसंद आई होगी तो फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।